हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत यानी फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपका जो टॉपिक है चल रहा था। तो मैंने आपको कराया था हेनरी फेयोल का परिचय बताया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो थी उसमें हेनरी फेयोल के बारे में बताया था। और जो हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए हैं उसमें जो पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन का सिद्धांत, उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो एक बार जो मैंने आपको कराया है उसका रिवाइज करते हैं। तो हेनरी फेयोल को प्रशासकीय प्रबंध की प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। जो इनका जन्म है 1841 में फ्रांस में हुआ था, यानी जो हेनरी फेयोल हैं जो इनका जन्म है 1841 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने प्रबंध का ज्ञान, फ्रांस की एक कोयले कंपनी थी, लोहे व इस्पात की एक बड़ी कंपनी थी, उसमें प्रबंधक के रूप में काम किया था। सन 1860 में इन्होंने इंजीनियर स्नातक की परीक्षा पास की थी, उसके तुरंत बाद इन्हें कंपनी का जो कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। सन 1872 में इन्होंने वरिष्ठ प्रबंधक का पद मिला था, और जो सन 1888 में उसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया था। जब इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था उस समय उस जो कंपनी थी वो दिवालियापन पे थी, यानी दिवालिया होने वाली थी। तो उन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। वे इस पद पर जो इस कंपनी में जब तक उन्होंने कार्य किया 1918 तक कार्यरत रहे थे। तो मैंने आपको अच्छे से कराया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके योगदान के बारे में, जो हेनरी फेयोल हैं इनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताया था। जो हेनरी फेयोल हैं इन्होंने जो प्रबंध के, मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था आपका प्रबंध, उसमें मैंने आपको बताया था जो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं उनमें से जो 4 कार्य हैं वो फेयोल द्वारा बताए गए हैं। तो जिनमें पहला था नियोजन यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। फिर दूसरा था संगठन यानी कुछ लोगों को समूह मिलकर जो कार्य करता है उसे हम संगठन बोलते हैं। निर्देशन है, नियंत्रण यानी जो कार्य किया है उसकी जांच करना, ये सब क्या है मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। ये 4 कार्य हेनरी फेयोल द्वारा बताए गए थे, ठीक है। उसके बाद है प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 14 सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत के बारे में बताया था, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो मैंने आपको अच्छे से ये करा दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाता है। फिर आपको मैंने बताया था कार्य विभाजन के सिद्धांत सकारात्मक प्रभाव, यानी जो कार्य विभाजन है उसके सिद्धांत के कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे योग्यता अनुसार कार्य विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, व्यक्ति की योग्यता क्षमता में रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है, मैंने आपको ये अच्छे से करा दिए थे। कार्य विभाजन के सिद्धांत की अवहेलना बताई थी, कुछ अवहेलना के प्रभाव भी होते हैं जैसे विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति नहीं होती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी हो जाती है, व्यक्तियों को उनकी दक्षता योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। आज आपका टॉपिक है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब अधिकार से क्या मतलब है, अधिकार किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देने तथा निर्देश देने से है, यानी अधिकार जो होता है जिस व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है उसको उसके प्रति अधिकार भी दिए जाने चाहिए कि आपको किस तरह से कार्य करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो यही इसमें बताया गया है अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत में लिखा हुआ है। अधिकार का आशय किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देने तथा निर्देश देने से है, यानी जो अधिकार का जो आशय है किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देता है और निर्देश भी देता है। प्रशासन से अधिकारी को उचित एवं पर्याप्त अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। जो प्रशासन है, जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उसके द्वारा जो जिसे अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकारी है उसको उचित एवं पर्याप्त अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर सके, यानी अपने जो उत्तरदायित्व हैं जो उसकी लायबिलिटी है उनको अच्छे से निभा सके।
तो हेनरी फ्यूल के अनुसार अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का अधिकार है। यानी जो हेनरी फ्यूल के अनुसार जो हेनरी फ्यूल जी हैं उन्होंने बताया है जो अधिकार है आदेश देना है आज्ञा पालन करने का अधिकार, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का उपसिद्धांत है, जबकि जो उत्तरदायित्व है अधिकार का उपसिद्धांत माना गया है। अधिकार सत्ता का वह प्रभाव उत्तरदायित्व के साथ होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाए, यानी अगर किसी व्यक्ति को आप कोई कार्य सौंप रहे हो तो साथ में उस कार्य से संबंधित अधिकार भी दिए जाने चाहिए। ये कौन ने बताया है? हेनरी फ्यूल द्वारा बताया गया है। और ये कौन से सिद्धांत में बताया है? अधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत में बताया गया है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंप रहे हो तो उसको पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपको ये अपने तरह से कार्य कराना है और जो आपको जो हमें कार्य दिया है जो लक्ष्य दिया है उसको भी पूर्ण कराना है, हासिल करवाना आपको ही है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप अधिकार नहीं दोगे तो अच्छे से वो आप कार्य नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब एवं अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? इस सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। यह लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, यानी जो अधिकार यानी जो सिद्धांत है यह लक्ष्यों की जो प्राप्ति है उसमें सहायक होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है, उसको कार्य कैसे कराना है और उसका जवाबदेही बनेगी कि यह कार्य कैसे संपूर्ण नहीं हुआ, तो इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है क्या? अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। उसके बाद है इसमें कर्मचारियों के साहस एवं विश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उसके जो साहस है और उस विश्वास में वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति उनको कार्य के लिए मोटिवेट भी करेगा, उन्हें बताएगा भी कोई कार्य कैसे किया जाएगा, जो उसके जो अधिकारी है उसको अधिकार दिए गए हैं, उससे जो व्यक्ति कर्मचारी है उनको अभी प्रेरणा भी मिलेगी, यानी जो इससे कर्मचारी के साहस एवं विश्वास में भी वृद्धि होगी। क्योंकि आपस में समन्वय बैठा के कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा? विश्वास में भी वृद्धि होगी। तो ये क्या है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद है अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव, यानी अवहेलना के प्रभाव भी हैं। अब इसमें अवहेलना के प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है सभी के अधिकारों को गलत प्रयोग होने का भय रहता है, जो सभी के जो कुछ अधिकार दिए हुए हैं उनके गलत प्रयोग होने का भय बना रहता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कर्मचारियों के साहस में कमी आती है, यानी आपको पहला जो दिया हुआ है सभी के अधिकारों को गलत प्रयोग होने का भय रहता है, इसका मतलब है किसी अधिकारी को कोई कार्य सौंपा है और वो गलत ढंग से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, जो उन्हें राइट दिया गया है उसको अच्छे से नहीं निभा रहा है, किसी कर्मचारी को अपने अधिकार के तौर पर उन्हें गाली दे के बात कर रहा है, तो वो सब ठीक नहीं है। यानी सभी के अधिकार को गलत प्रयोग होने का भी भय बना रहता है, ऐसे कर्मचारियों के साहस में भी कमी आती है, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है आवश्यकता से कम अधिकार होने पर व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते, यानी आवश्यकता से अगर कम अधिकार हैं तो जो व्यवसाय के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो जिस चीज़ की कोई जिस वर्क को कराने के लिए जो आवश्यकता है अगर उसके लिए आप अधिकार नहीं दोगे तो जो व्यवसाय का जो लक्ष्य है उसको भी आप आसानी से हल नहीं करा सकते, ठीक है। क्लियर समझ आया क्या होता है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत? अच्छे से समझ आ गया होगा तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, आप रीडिंग भी कर सकते हो इसकी। कार्य विभाजन का सिद्धांत है ये, नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत होगा यानी जो प्रबंध के सिद्धांत है जो हेनरी फ्यूल द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं उसमें नेक्स्ट जो थर्ड सिद्धांत होगा वो होगा अनुशासन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसके बारे में हम कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।